राजधानी के एसएमएस सभागार में नर्सिंग स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में शनिवार को छात्र छात्राओं को नर्सिंग स्कूल में विरोध प्रदर्शन किया है उन्होंने, तो वहीं पर नर्सिंग छात्र छात्राओं ने कहा कि सभागार में कार्यक्रम के दौरान बाहरी छात्रों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की और वीडियो बनाए। समझाने पर बाहरी छात्रों ने नर्सिंग छात्रों ने स्थानीय छात्रों के साथ मारपीट की, जिसमें कई छात्रों की चोटें भी आई है। उन्होंने प्रशासन से मामले की उचित कार्रवाई करते हुए दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। हमारे साथ एक क्लासमेट थी तो उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे, हमारे सीनियर ने उनका साथ दिया था तो वो लोग है ना उनकी पिटाई करने लगे। हम लोग बाहर जा रहे थे तो वहाँ पे जो मेंबर्स थे वो गेट लगा रहे थे हमारे सीनियर्स को बंद करने, हमने रोकने के किया तो है ना वो हमें धक्का दे रहे थे तो हमारे लगे थे। जो विनायक कॉलेज के लड़के थे, अदर कॉलेज के जो प्राइवेट कॉलेज के लड़के थे, वो मना रहे थे वीडियो, तो वीडियो बनाए थे। हमने उनसे बात की एज ए सीनियर, तो वो बात उस जगह बंद हो गई थी, यानी कि कोई बात मैटर नहीं रहा था उस जगह पे। लेकिन उसके बाद शशिकांत जी आते हैं और आके उस जगह पे दो चार बंदे लाके पे यानी कि दादागिरी एक तरह से। पहले तो पूछा किस कॉलेज से, हमने बोला एसएमएस कॉलेज से, एसएमएस कॉलेज से बाहर निकलो ऐसा करो। पहले तो हमने बोला बॉस बताओ क्या बात है, क्योंकि हमारे लिए पहले वो हमारे कॉलेज से ही ऐसी बात नहीं है, स्कूल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से गए हैं, अच्छी तरीके से जानते सब चीज़, कोई बात नहीं ऐसी। हमने पहले एज ए सीनियर बात की, सर तरीके से बात की, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी, सबको मारा। और जो साथ में लड़के थे उन्होंने हाथापाई की थी सभी से, किसी के सिर में चोट आई थी, पत्थर भी फेंके थे।